नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे कि कोटा यूनिवर्सिटी की अगर बुक्स नहीं आई हुई है और या बुक्स आ भी गई तो गलत आ गई है या एक ही सब्जेक्ट की सेम दो बुक्स आना, इस प्रकार की समस्या के लिए हमें क्या करना होगा। तो ऐसे में आपको क्या करना है कि आप कोटा यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाइए, अपना स्टूडेंट पैनल ओपन कीजिए और स्टूडेंट पैनल को ओपन करने के बाद आप ये शिकायत कर सकते हैं। यहाँ से जैसे कि मैंने यहाँ वर्धमान ओपन यूनिवर्सिटी का मेन पेज खोला है और इसके अंदर यहाँ मैं इसे देखता हूँ तो यहाँ रजिस्टर कंप्लेन कर सकते हैं, रजिस्टर कंप्लेन भी कर सकते हैं। इस वीडियो के अंदर सारी जानकारी दूंगा मैं, एक तो बुक्स के बारे में और असाइनमेंट की डेट, असाइनमेंट कैसे जमा करवाए, आपको वहां जाना है कि नहीं जाना। इस वीडियो को अंत तक आप पूरा देखिएगा। इस वीडियो के अंदर सारी कोटा यूनिवर्सिटी से संबंधित अभी असाइनमेंट और परीक्षा के संबंधित सारी जानकारी दी जाएगी। तो दोस्तों देखिए, आगे बढ़िए, हम इस वीडियो को आगे देखते हैं। तो यहाँ पे कंप्लेन हम कैसे करते हैं, जैसे रजिस्टर कंप्लेन, तो यहाँ कोटा यूनिवर्सिटी की मेन पेज है, मेन पेज इस साइट पर हम नीचे आ रहे हैं यहाँ पर और इस पर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे ये इस तरीके का लेआउट खुलता है। सबसे पहले आपको स्कॉलर नंबर डालना होता है यहाँ पर, स्कॉलर नंबर के बाद आपके ऑटोमेटिकली आपका नाम, प्रोग्राम का कार्यक्रम, वो सारा इसमें अपने आप आ जाएगा। यानी कि आपका जो कार्यक्रम है, यानी आप इसमें क्या कर रहे हो, यानी जैसे एमएससी कर रहे हो, बीए कर रहे हो, जो भी है इसके अंदर आ जाएगा, नाम भी आ जाएगा। अब आप कौन से डिपार्टमेंट में शिकायत करना चाहते हैं, तो यहाँ पर जैसे कि मुझे परीक्षा विभाग में शिकायत करनी है या स्टडी मटेरियल डिस्ट्रीब्यूशन में करनी है या रीजनल यानी क्षेत्रीय कार्यालय में करनी है या स्कूल ऑफ कंटिन्यूस एजुकेशन के बारे में, या जो भी आपकी शिकायत है वो यहाँ पर कर सकते हैं, ऑनलाइन सर्विस के संबंधित या शिकायत से कॉल के संबंधित। तो हमें तो करनी है जैसे स्टडी मटेरियल, यानी कि हमारी बुक्स नहीं आई है और अगर आ भी गई तो गलत बुक्स आई हैं या डबल बुक्स का आना होता है, कभी कभार ऐसा होता है गलती से ऐसा हो जाता है। तो आपकी यहाँ जैसे बुक्स नहीं आई है तो आप इसमें डालिए, ये विभाग चॉइस कीजिएगा, ठीक है ना। तो सब्जेक्ट यहाँ पे अध्ययन सामग्री प्राप्त नहीं है या गलत अध्ययन सामग्री प्राप्त हुई है या अदर जो भी है, आप इसमें से चॉइस करना चाहते हो, ठीक है ना। यहाँ पे ये डाल दिया आपने। अब यहाँ पे डिटेल आपको भरनी है कि जैसे कि बुक्स नहीं आई है और आपने इस तरीके से आपको पूरा पूरा भरना है और एप्लीकेशन भी यहाँ पे लिख सकते हैं, उसको सबमिट कर सकते हैं इस प्रकार से, ठीक है ना दोस्तों। और जैसे कि आपको पता ही होगा कि शिकायत करने के बाद, यानी कि शिकायत का स्टेटस भी देख सकते हैं या अपने स्टूडेंट व्यू पैनल से भी आप इसमें शिकायत देख कर सकते हैं। जैसे स्टूडेंट व्यू पैनल के अंदर यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कंप्लेन भी कर सकते हो आप इस प्रकार से, और यहाँ से भी आप अपनी शिकायत कर सकते हो, क्लिक किया टू सबमिट और स्कॉलर नंबर डाल के यहाँ पे से भी शिकायत कर सकते हो, ठीक है। और वैसे आपको सारी जानकारी यहाँ से मिल जाती है, एडमिशन स्टेटस आपको यहाँ से मिल जाता है आपका, असाइनमेंट स्टेटस भी आपको यहाँ से पता चल जाता है, स्टडी मटेरियल जैसे कि बुक्स आई या नहीं आई, वहां से रवाना हुई नहीं हुई, ये भी यहाँ से पता लगा सकते हैं। अब इनके देखो 15 जून असाइनमेंट की लास्ट डेट है और परीक्षा की तिथि भी आपको पता है कि इसका समय सारणी है जो वो जारी हो चुका है और अभी तक इनका बुक्स नहीं आया है, यानी कि डिस्ट्रीब्यूट भी नहीं हुई है। तो सवाल ये नहीं है कि अभी इनके पास 10 दिनों के अंदर बुक्स पहुंच जाए। तो इस प्रकार से आप अपना चेक कर सकते हो स्टेटस के अंदर बुक्स कहाँ है कहाँ नहीं है और एग्जाम की डिटेल्स भी यहाँ से पता कर सकते हो, रिजल्ट वगैरह जो होता है वो परीक्षाओं का, और एडिशनल डॉक्यूमेंट जो है डाउनलोड वगैरह है, स्टूडेंट्स की अपनी शिकायत है जो अपनी उसका स्टेटस भी यहाँ से देख सकते हो इस प्रकार से, ये कर सकते हैं। आपका जो असाइनमेंट है वो यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और असाइनमेंट डाउनलोड, अगर आपको असाइनमेंट डाउनलोड भी हो जाते हैं उसके बाद बुक्स नहीं आए तो आप क्या करोगे, आप क्वेश्चन गूगल में टाइप करके भी देख सकते हैं, उसके आंसर आपको मिलेंगे और उसके अनुसार भी आप कर सकते हैं सेम टू सेम यहाँ पर। और हाँ, असाइनमेंट जमा करवाने के लिए आपको पता है कि अभी कोविड यानी कि 19 जो महामारी फैली हुई है वो पूरे विश्व के अंदर फैली हुई है, इस वजह से हम अपने घरों से बाहर भी नहीं निकल पा रहे हैं, निकले तो अपन किस में जाए वहां जमा करवाने के लिए। तो आपको डाक विभाग के द्वारा, यानी कि आप अपने डाक से स्पीड पोस्ट या रजिस्टर पोस्ट भी कर सकते हैं अपने असाइनमेंट, A3 साइज का आपको लिफाफा देना है, उसमें अपनी सारी फाइलें डालकर उसके ऊपर एक पेपर चिपकाना है, जो पता बीओमयू रीजनल ऑफिस का पता लिखकर
और एक बात जरूर ध्यान रखना, उसमें आप अगर पीएमओ का पता लिख के लिफाफे के अंदर जो भी फाइल डाल के भेजते हो तो आप फ्रॉम टू में तो उसका एड्रेस लिख देना वहां का, और फ्रॉम के अंदर क्या करना है, स्कॉलर नंबर डालना, स्कॉलर नंबर डालना ना भूले, इससे क्या फाइल इधर उधर नहीं होगी। आप लिफाफे के ऊपर अपना स्कॉलर नंबर लिखें, अपना नाम लिखें, अपना सब्जेक्ट कोड लिखें, ठीक है ना, और मोबाइल नंबर जरूर लिखें ताकि आपकी फाइल इधर उधर ना हो और आपके असाइनमेंट जल्दी सही समय पर चेक हो जाए, ताकि रिजल्ट ऐसा ना हो कि रिजल्ट आने पर आपके असाइनमेंट अपडेट ही ना हो। क्योंकि ऐसे ऐसे क्या है कि फाइल के ऊपर अपना स्कॉलर नंबर या नाम नहीं लिखने पर कौन फाइल को देखता है, इस प्रकार से समस्या रहती है। तो आपको ये ध्यान रखना है। धन्यवाद। कैसा लगा हमारा ये वीडियो, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, हमारे ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब बढ़िएगा, और जिन भाई बहनों को ये पता नहीं है उन तक ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।